हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए आज का वीडियो बना रहे हैं। पहले तो आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, के निकालना कैसे है। यहाँ पर एक जगह पर आपको डिविज़न का साइन नज़र आएगा, राइट? तो अगर डिवीजन का साइन है तो पहले इसको करते ही यही हम डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये रूट के इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। डिवीजन ऐसे ही होती है। और राइट साइड में मेरे पास क्या है, 2√6। पहले इतना काम करिए, आगे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे के निकालना है ना, तो मैं देखो इनको इंटरचेंज कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट से। मैं एरोस लगा रहा हूँ, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन कंसेप्ट है। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 96 चलो ऊपर है, 2√6 जो है नीचे आ जाएगा, और हमारे पास राइट साइड में क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के। अब हमें कोई स्क्वायर रूट ऑफ के की वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। मैं चाहो तो यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन सेपरेट लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर रूट ऑफ 96 अपॉन 2√6 इसका स्क्वायर, और इधर राइट साइड में रूट के का स्क्वायर। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जब आप स्क्वायर करते हो तो ऑब्वियसली रूट कट जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या आपके पास, ये सिर्फ 96 बचेगा। नोट करिएगा ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 लिखना पड़ेगा, रूट 6 का स्क्वायर करोगे, हाँ वो अकेला 6 रहेगा, और राइट साइड में तो k बन ही चुका है, कोई अंतर ही नहीं है क्योंकि रूट k का स्क्वायर k होता है। बस अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 6 के साथ 96 को काट दीजिए, 16 आएगा, ठीक है जी। 4 के साथ 16 को काट दीजिए, 4 आएगा, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी जी, 4 आएगी। सो k इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये स्टेप समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।